गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिक्की जीत सर में। आज 14 सितंबर और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज के अपडेट क्या हैं। अब तक इतिहास की सबसे कम कट ऑफ रही जेई एडवांस की रिजल्ट एनालिस 23, IIT की कुल 16,598 सीटों के लिए 40,712 विद्यार्थी देंगे काउंसलिंग। नेक्स्ट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, ये दोस्तों विज्ञप्ति है हाउस की प्रसिद्धि भर्ती को लेकर के, तो आप देख सकते हैं, अगर आपसे संबंधित है तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट के यहाँ चलते हैं। देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का केंद्रीय छात्रवृत्ति प्रेस वर्ष 2022 वर्ष 2018 से 2021 तक नवनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने संबंधी ये विज्ञप्ति है, इसको भी आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। बेरोजगारों का प्रदर्शन मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद हटे। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है परीक्षा को लेकर के, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में नवसर्जित ब्लॉक कार्यालयों के अधीन कार्य स्टाफ को पुरानी पेंशन व्यवस्था से ही वेतन, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजी जानकारी। नेक्स्ट है 20 छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 31 अक्टूबर तक मांगे आवेदन, 2018 से 2021 तक के छात्र नवनीकरण करा सकेंगे। शिक्षक सम्मान हेरा फेरी का 8 दिन पहले खुलासा, फिर भी जांच अधूरी। शिक्षक दिवस पर सम्मान के लिए गड़बड़ी करने का फैसला। तकनीकी अधिकारी सहित अन्य पदों पर निकली भर्ती। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको डेली अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। अगली भर्तियों में मिलेगी आयु सीमा में 2 साल की छूट। कैबिनेट ने किया प्रस्ताव का अनुमोदन, फाइलें वो भेजी राज्यपाल के पास। 56 स्कूलों में संकाय खोलने के प्रस्ताव भेजने के निर्देश। विद्यार्थी को कला व संस्कृति के रूबरू कराने का खर्च उठाएगी सरकार। ये वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा BEd प्रवेश परीक्षा परिणाम एवं प्रथम काउंसलिंग की सूचना संबंधी विज्ञप्ति है, प्रेस नोट आप देख सकते हैं कब से कब करवानी है। 10 IIT ने 15 नई ब्रांचेज शुरू की, IIT NIT प्रवेश प्रक्रिया। स्कूल कॉलेज शिक्षक भर्तियों में अब हिंदी का वर्चस्व है, भर्तियों में हिंदी शिक्षकों के पद अंग्रेजी से ज्यादा। सरकार ने स्कूलों को कर्मोन्नत कर दी लेकिन पॉजिटिव नहीं भरी। 186,676 विद्यार्थियों को जल्द मिलेगा पाउडर दूध। अंक गणना के लिए दिए आवेदन CBSE। सिर्फ इंग्लिश मीडियम को हाय, हिंदी को बाय बाय। जिले में पिछले 3 साल से एक भी नया हिंदी माध्यम का नहीं खुला स्कूल। बच्चों को शिक्षक का शिक्षकों को नियुक्ति का इंतजार, 40 दिन पहले हुआ साक्षात्कार, अब तक नहीं निकली नियुक्ति सूची। पोसार उधारी पर सज रही है ननिहालों की थाली। राजस्थान हाईकोर्ट भैट पीठ का अहम फैसला, विवाहित पुत्र पुत्री को आश्रित नियुक्ति पर फैसला। सरकार के संशोधन की समय लंबित मामलों पर पुराने नियमों की बाध्यता हटी। JNU में इंटीग्रेटेड BEd की परीक्षाएं 7 अक्टूबर से प्रस्तावित, टाइम टेबल जल्द ही होगा जारी। अभ्यर्थियों को मिलेगा पुनर्योग का अवसर, पिछली परीक्षाओं में भी अपनाई गई थी ये पद्धति RS 2021। MGSU स्कूल ऑफ लॉ में प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज से। चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के इंतजार में लाखों विद्यार्थी, 1 सप्ताह पहले जारी हुआ NIT UG का परीक्षा परिणाम। JNU में कला व वाणिज्य संकायों का विभाजन कर 5 नए संकाय बढ़ाए, विश्वविद्यालय में 10 संकाय पर ऐसी की मोहर। ये राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की प्रेस विज्ञप्ति है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रदेश के 12 MG अंग्रेजी विद्यालयों में संशोधन एवं निरस्त करने की स्वीकृति। तृतीय भाषा की सूचना भेजने के निर्देश। शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित।
सहायक निदेशक व सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर समीक्षा परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, आज से 16 तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। अध्यापक सिद्धि भर्ती 2021-22 210 के चयन निरस्त। सरकारी विद्यालयों को मिलेगी 242 करोड़ रुपए की अनुदान राशि। सेशन शुरू होने के 3 महीने बाद भी टीचर्स के पद खाली। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।